प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनकी हिम्मत पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। 8 नवंबर 2016 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट को एक झटके में बंद कर दिया था। आम लोग ही नहीं विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां भी इस फैसले से सकते में आ गई थी। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने जनधन योजना के तहत हर एक शख्स को बैंकिंग योजना से जोड़ा। वहीं बरसों से लटके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की हिम्मत भी पीएम मोदी ही दिखा पाए। 4.5 साल में मोदी के इन साहसिक कदमों की दुनिया भर में खूब तारीफ हुई। वहीं इन कदमों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला और भारत फ्रांस को पछाड़कर छठे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि भारत के विकास के लिए अगर उन्हें सख्त से सख्त कदम भी उठाने पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बीते 50 महीने इसके गवाह हैं कि एनडीए की ये राष्ट्र सरकार राष्ट्रहित में लिए जाने वाले कठिन फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहती। जो वर्षों से लटके फैसले थे उनको पूरी शक्ति के साथ जमीन पर उतारा गया। जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, बेनामी संपत्ति कानून हो, इंसॉल्वेंसी कोड हो, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा कानून हो, 3 लाख से अधिक संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना हो, ये सभी फैसले ईमानदार और पारदर्शी बिजनेस एनवायरनमेंट के बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के ये जीते जागते उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पीएम मोदी अब जीएसटी जैसा एक और कदम उठाने जा रहे हैं। खबर है कि जीएसटी के बाद पीएम मोदी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी स्टॉक्स डिबेंचर सहित किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर पर देश भर में एक समान स्टैंप ड्यूटी दर को लागू करने की तैयारी में है। नए सुधार के तहत सरकार पूरे देश में स्टैंप ड्यूटी को एक समान करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और राज्यों से भी सहमति मिल चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बदलाव को पारित कराने के लिए लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस कदम से राज्यों के राजस्व पर असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि स्टैम्प ड्यूटी जमीन की खरीद से जुड़े ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट्स पर लगती है। करीब 100 साल पुराने इस कानून में बदलाव करने की पहले भी कोशिश हो चुकी है लेकिन किसी न किसी वजह से ये नहीं हो सका।